माननीय नरेंद्र मोदी यांनी 2019 मध्ये संविधानाला माथा टेकून शपथ घेतलेली आहे। त्याचबरोबर ते प्रधानमंत्री झाल्यानंतर बाबासाहेबांच्या 125व्या जयंतीच्या वेळेला 2014-15 मध्ये त्यांनी 2 दिवसाचं अधिवेशन ठेवलं आणि 26 नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिवस म्हणून देशभर पाळण्यात येत आहे। 26 अलीपूर रोडला बाबासाहेबांचं अत्यंत सुंदर स्मारक बनवण्यात आलेलं आहे। जनपद रोडवर डॉक्टर आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटर बनवलेलं आहे। मुंबईला बाबासाहेब आंबेडकरांचं आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचं एक स्मारक त्या ठिकाणी होत आहे। जवळजवळ 1100-1200 कोटी रुपये खर्च करून त्या ठिकाणी स्मारक होत आहे आणि जी इंदू मिलची जमीन आहे त्या जमिनीची किंमत 3600 कोटीची आहे आणि ती जमीन ताबडतोब माननीय नरेंद्र मोदी यांनी दिली आणि तिथं एक दीड वर्षामध्ये स्मारकाचं काम पूर्ण होणार आहे। शेतकऱ्यांच्या संबंधामध्ये अनेक निर्णय घेतलेले आहेत। दलितांचं आदिवासींचं बजेट त्यांनी वाढवलेलं आहे। तर असे अनेक जे प्रश्न आहेत त्यांनी सोडवलेले असल्यामुळं देशामध्ये NDA ला 400 पेक्षा जास्त जागा मिळतील असा आम्हाला विश्वास आहे आणि आजच्या बैठकीमध्ये आम्ही निर्णय घेतलेला आहे की देशभरामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी NDA चे उमेदवार आहेत त्या कॅन्डिडेटना आपण पाठिंबा द्यायचा अशा पद्धतीचा निर्णय घेतलेला आहे। त्यानंतर काही राज्यामध्ये आमची चाचपणी आहे, काही राज्यामध्ये आता महाराष्ट्रामध्ये आम्हाला 2 जागा मिळाव्यात असा आमचा आग्रह आहे, पण 2 जागा मिळतील असं वाटत नाही आहे। पण किमान शिर्डीची जागा मी लढवावी अशा पद्धती जिथचा देशभरातल्या कार्यकर्त्यांची आहे, महाराष्ट्रातल्या कार्यकर्त्यांची आहे। एकदा मी त्या ठिकाणी हरलो होतो, त्यामुळं ती जागा RPIला मिळावी अशा पद्धतीची आमची त्या ठिकाणी आग्रही मागणी आहे। बाकीच्या उत्तर प्रदेशमध्ये आम्ही 1-2 जागा मागितल्या होत्या, पण आता उत्तर प्रदेशमध्ये काही जागा मिळणार नाही। पण सत्तेची भागीदारी जी आहे ती RPIला मिळावी यासाठी नक्की आम्ही प्रयत्न करणार आहोत। ज्या ज्या ठिकाणी BJP चे मुख्यमंत्री आहेत, NDA चे मुख्यमंत्री आहेत, त्या त्या ठिकाणी कार्यकर्त्यांना सत्तेचा सहभाग मिळावा अशा पद्धतीचा प्रयत्न आम्ही करणार आहोत। आणि संविधान बदलण्याची भाषा NDA च्या माध्यमातून होत आहे, काँग्रेसच्या माध्यमातून होत आहे, परंतु काँग्रेस पक्षाने जे संविधान आहे त्या संविधानाप्रमाणे ते वागले नाही। त्यांना या देशातला जातीवाद संपवता आला नाही, त्यांना या देशाला जोडता आलं नाही। आता राहुल गांधी भारत जोडायला निघालेले आहे, पण ते भारत जोडायला निघालेले नसून ते भारत तोडायला निघालेले आहे। त्यांची भारत जोडो न्याय यात्रा आहे, पण याच काँग्रेसने दलितांवर सातत्याने अन्याय केलेला आहे। बाबासाहेब आंबेडकरांना 2 वेळेला काँग्रेस पक्षाने निवडणुकीमध्ये लोकसभेत हरवलेलं आहे आणि तेच आता बाबासाहेबांचं नाव घेऊन दलितांमध्ये सम्राट निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि मोदीजी आणि हे सरकार संविधान बदलणार आहे अशा पद्धतीची अफवा पसरवण्याचा प्रयत्न होत आहे। परंतु हे संविधान अजिबात बदललं जाणार नाही, या संविधानाला हात लावण्याची कुणामध्ये हिंमत नाही आणि नरेंद्र मोदी हे संविधान नवीन संसद भवनाला संविधान सदने नाव दिलेलं आहे आणि मी अगोदर सांगितलं की अनेक कामं त्यांनी केलेली असल्यामुळं संविधान बदलण्याचा विषय येत नाही आहे। बाबासाहेब आंबेडकरांचा पूर्ण सन्मान जो आहे तो NDA सरकारकडून होत आहे, नरेंद्र मोदींकडून होत आहे आणि त्यामुळं नक्कीच 2024 ची निवडणूक जी आहे या निवडणुकीमध्ये आम्हाला प्रचंड मोठं यश मिळणार आहे। महाराष्ट्रामध्ये जी आमची महायुती आहे या महायुतीला 45 जागा मिळतील असा आम्हाला विश्वास आहे आणि रिपब्लिकन पक्ष महायुतीचा एक घटक पक्ष म्हणून आम्ही त्यांच्यासोबत आहोत। फक्त RPIला 1 जागा मिळावी असा आमचा आग्रह आहे। तुम्ही आत्ता म्हटले की संविधान बदलण्याची भाषा इंडिया आघाडी करते, मात्र कर्नाटकमधील भाजपचे खासदार आहेत आनंद कुमार हेगडे, त्यांनी दुसऱ्यांदा संविधान बदलण्याची भाषा केलेली आहे, हिंदू राष्ट्र होण्याची मागणी केली आहे, तुमचा याला पाठिंबा आहे का? मला वाटतं की हेगडे वगैरे अशा पद्धतीचे कोणी लोक आहेत काही स्टेटमेंट जरी करत असले तरी ती भूमिका BJP ची नाही, ती भूमिका NDA ची अजिबात नाही। आणि हेगडे हे सातत्यानं अशा पद्धतीची विपर्यस्त अशा पद्धतीची त्यांची भूमिका नेहमी असते, त्यामुळं देशाचं संविधान बदलण्याचा प्रश्नच येत नाही आहे। देशाचं संविधान बदलण्यापेक्षा संविधान मजबूत करणं अत्यंत आवश्यक आहे।
आणि नरेंद्र मोदी यांचा हा पूर्णपणे विश्वास आहे की संविधानाला मजबूत करायचं आहे, त्यामुळे हेगडे जरी काय बोललेले असले तरी त्यांचं व्यक्तिगत मत आहे, ते दलितांच्या बद्दलही कधी कधी उलट सुलट बोलत असतात, तर त्यांच्या बोलण्याकडे मला वाटतं लक्ष देण्याचा अर्थ नाही आहे। आणि नरेंद्र मोदी हे सक्षम प्रधानमंत्री आणि संविधान मजबूत करणारे प्रधानमंत्री आहे असं आमचं सगळ्यांचं मत आहे। चला हिंदी हिंदी अभी हिंदी बोलतो ना, हिंदू राष्ट्राला आमचा पाठिंबा नाही आहे। हिंदू समाज हा मोठ्या प्रमाणामध्ये देशामध्ये आहे, परंतु या देशामध्ये सर्व धर्माचे लोक राहतात आणि भारतीय संविधानामध्ये सर्व धर्माच्या लोकांना समान संधी देण्याची भूमिका आहे। या ठिकाणी हिंदू आहेत, मुस्लिम आहेत, शीख आहेत, ख्रिश्चन आहेत, बुद्धिस्ट आहेत, जैन आहेत, पारशी आहेत, लिंगायत आहेत, या धर्माचे लोक या देशामध्ये राहतात, त्यामुळं हिंदू राष्ट्राचा विषय हा त्यांचा असेल, परंतु इंडियाच्या अजेंड्यामध्ये तो विषय नाही। आणि परंतु हिंदू धर्माचा आदर करणं हे आमच्या सगळ्यांचं कर्तव्य आहे आणि बाकीच्या धर्मांचा आदर करण्याचं हिंदू धर्मियांचं एक कर्तव्य आहे, त्यामुळं नरेंद्र मोदीजी सर्व धर्मियांचा ते सन्मान ठेवतात। त्यांनी ख्रिसमसला आपल्या कोटीवर, आपल्या प्रधानमंत्री आवासावर सगळ्या ख्रिश्चन धर्मगुरूंना बोलवून त्यांच्यासोबत त्यांनी ख्रिसमस साजरा केलेला आहे। मुंबईला जाऊन भोरी समाज, मुस्लिम समाज याच्या कार्यक्रमात ते उपस्थित राहिलेले आहेत। बौद्ध धर्माबद्दल त्यांना प्रचंड आदर आहे। जैन धर्माच्या कार्यक्रमांना काही ठिकाणी ते गेलेले आहेत, त्यामुळं सर्व धर्मांना न्याय देण्याची भूमिका प्रधानमंत्र्यांची आहे। आणि प्रधानमंत्र्यांनी सांगितलंय की माझा परिवार जो आहे हा 140 कोटी लोकांचा माझा परिवार आहे, म्हणजे त्यामध्ये हिंदू असतील, मुसलमान असतील, कोणी असतील, ते माझ्या परिवारातले सगळे लोक आहेत, त्यामुळं हेगडे काय बोलले असतील ते त्याच्यावर काही लक्ष देण्याची आवश्यकता नाही। तो मतलब जिस तरह आज हमारी नेशनल कमेटी की मीटिंग हुई और उसमें 30 राज्यों के हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रेजिडेंट थे और नेशनल कमेटी के पदाधिकारी भी थे, उसमें हमने निर्णय लिया है कि 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, देश विकास की दिशा से आगे बढ़ाने का काम किया है, 10% आरक्षण इकोनॉमिक सेक्शन को दे दिया है, प्रधानमंत्री जी ने मतलब 370 आर्टिकल हटाने का निर्णय जम्मू काश्मीर से लिया है और आज जम्मू काश्मीर में तिरंगा झंडा लग रहा है। दूसरा जो है ये अपना महिलाओं को आरक्षण देने वाला जो बिल है ये पास हो चुका है, नया संसद भवन उन्होंने बनाया है, बाबा साहब अम्बेडकर जी के बहुत सारे स्मारक पूरे किए हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में बहुत बड़ा सम्मान वो रखते हैं, इसलिए संविधान बदलेंगे ये इंडी का आरोप जो है ये बिल्कुल सही नहीं है। ये इंडी जो है ये मतलब ये सभी नेताओं की मंडी बन गई है और ये लोग नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते उनको गालियां देते हैं, उनको नीच बोलते हैं, इनको और कोई बोलते हैं, तो ये मतलब बातें वो लोग कर रहे हैं क्योंकि वो अस्वस्थ हो गए कि अभी इतने इनको जल्दी सत्ता मिलने वाली नहीं है। मोदी जी स्ट्रांग नेता के रूप में काम कर रहे हैं, दलित, आदिवासी, ओबीसी और सभी वर्गों के लिए वो काम कर रहे हैं और इसीलिए मतलब विरोधी दलों को उनका बहुत बड़ा डर है और वो एकदम बेफाम हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी के नाम आ गया तो उनको एकदम थर उनको हो जाता है और इसीलिए मतलब वो ये कर रहे हैं, लेकिन जनता हमारे साथ है और हम मतलब 400 पार करेंगे सीटें, एनडीए और कांग्रेस को 40 भी सीटें नहीं मिलेगी और अभी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। माननीय सोनिया गांधी जी राजस्थान से राज्यसभा पर आए, उनका तो स्वागत है, लेकिन वहाँ अगर कोई प्रियंका गांधी भी खड़ी रहती है वहाँ उनका चुनकर आना बहुत बड़ा मुश्किल है। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलायंस में बिल्कुल उतनी ताकत नहीं रही है, बसपा अलग लड़ रही है और जयंत चौधरी हमारे साथ आ गए हैं, तो उत्तर प्रदेश में हमको बहुत अच्छा मतलब वहाँ मौका है। और दूसरा महाराष्ट्र में हमने 2 सीट मांगी है, लेकिन अभी 2 सीट अगर नहीं मिलती है तो शिरडी की सीट पर मैंने लड़ना चाहिए, मैंने लोकसभा में आना चाहिए,
ये देश भर के कार्यकर्ताओं की भी भावना है, बहुत सारे लोगों की भी भावना है। मैंने आग्रह किया है कि भाई मेरी राज्यसभा 2026 तक है, लेकिन मुझे लोकसभा में आने की इच्छा है, उसका विचार है कि क्या जाए। लोगों की इच्छा ही है और मुझे भी लगता है, मैं 3 बार लोकसभा में रहा हूँ तो लोकसभा में आना चाहिए, तो उसका विचार मतलब हमारे बीजेपी के वरिष्ठ नेता करेंगे। महाराष्ट्र के नेताओं से मैंने बात किया है और एक सीट तो अपने को मिल सकती है। नहीं, 2 सीट तो हमने मांगी है, शिरडी और सोलापुर मांगी है, इसलिए 2 सीट मांगी है। लेकिन अभी 2 सीट अगर नहीं मिलती है तो 1-2 सीट मिलनी चाहिए, और मैंने लोकसभा में खड़ा रहना चाहिए, लोगों की भावना है, इसके लिए हमारी कोशिश जारी है। और जिस तरह देश का बहुत बड़ा विकास हो रहा है, G20 यहाँ आ गई है, हम 10 नंबर से 5 नंबर पर इकोनॉमी में आ गए हैं, और अगले 5 साल में हम 3 नंबर पर आएंगे, और बाद में मौका मिलेगा तो 2 नंबर पर आएंगे, और बाद में मौका मिलेगा तो 1 नंबर पर आएंगे। तो हमारी इकोनॉमी में हम अच्छा डेवलप कर रहे हैं, और दुनिया में जो शहर है उसमें मुंबई शहर का भी नाम आया है, जो दुनिया में जो डेवलपिंग जो सिटीज है उसमें मुंबई भी एक सिटी का नाम आया है सर्वे में। तो इंडिया आगे बढ़ रहा है और इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या कैंडिडेट कौन हो तुम्हारे पास, बैठा ही कैंडिडेट इधर है अरे मैं वहाँ श्रेणी जी में हरा था तो मैं लोकसभा में आना चाहिए, सबकी इच्छा है, तो इसीलिए मैंने शिरडी में अभी मैं चुनकर आ सकता हूँ, और वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा भी है। अगर मैं मंत्री बाद में मुझे मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो मुझे मौका मिलने वाला ही है, तो उस एरिया का डेवलपमेंट करने के लिए मेरे मंत्री पद का भी अच्छा उपयोग हो सकता है, तो इसलिए हम शिरडी की सीट मांग रहे हैं। मैं तो सभी स्टेटों में जाऊंगा, बीजेपी मुझे जहाँ जहाँ बुलाएगी उधर भी मैं जाऊंगा, मैं खुद मेरा प्रोग्राम बनाऊंगा, मैं उत्तर प्रदेश में जाऊंगा, मैं पंजाब में जाऊंगा, मैं साउथ इंडिया में जाऊंगा, नॉर्थ इंडिया में जाऊंगा, तो कई जगह पर मैं बीजेपी के प्रचार में जाऊंगा, और बाकी फिर अभी देखते। बाकी आज की मीटिंग में कुछ लोगों ने अपने कुछ कैंडिडेट खड़ा करने के बारे में बताया है, उसकी हम लिस्ट थोड़ी बना रहे हैं, तो एक ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 सीटें हम पूरे देश भर में 10-15 सीटें लड़ेंगे, ज़्यादा सीटें नहीं लड़ेंगे, और पार्टी हमारी रजिस्टर पार्टी है, इसीलिए कुछ सीटों में लड़ना जरूरी है, इसीलिए कुछ सीटों पर हम लड़ेंगे जहाँ बीजेपी को प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसी जगह पर हम लड़ेंगे, तो इसी तरह हमारी कोशिश है। और आज के मीटिंग में पार्टी पूरे देश भर में, अभी हमारी पार्टी अंडमान निकोबार में भी है, लक्षद्वीप में मैं जाकर आया हूँ, और लक्षद्वीप में भी हमारी पार्टी बहुत जल्दी वहाँ स्थापित हो रही है, तो पूरे देश भर में हर स्टेट में हमारी पार्टी, केंद्र शासित प्रदेशों में दीव दमन में है, दादरा नगर हवेली में है, दीव दमन अपना ये चंडीगढ़ में है, या यूटी है, पूरे राज्यों में तो ही है, इन सभी यूटी जो शहर है वहाँ भी हमारी स्टेट कमेटी उधर है, तो सभी जाति के लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं, और सिंधी समाज भी हमारे साथ है, हमारा मुस्लिम समाज हमारे साथ है, ब्राह्मण समाज हमारे साथ है, ओबीसी समाज हमारे साथ है, महाराष्ट्र में मराठा समाज भी हमारे साथ है। मराठा समाज के आरक्षण के बारे में रिपब्लिकन पार्टी ने सबसे पहले भूमिका ले ली थी, और मराठा समाज को आरक्षण मिलना ही चाहिए हमारी पार्टी की भूमिका है, तो जो अभी हाईकोर्ट में रिट पिटीशन डाला है तो उसमें राज्य सरकार सही वहाँ ये करे कि मराठा आरक्षण का मतलब सभी मराठों को आरक्षण देने का मतलब नहीं है, जिनका उत्पादन 8 लाख के अंदर है उनको आरक्षण मिलने वाला है, जिस ओबीसी के लिए क्रिमिलेयर की पद्धत लगाई है, 27% जिनको आरक्षण मिलता है उनके लिए
10% 27% आरक्षण है, लेकिन जिनका ईयरली इनकम 8 लाख के अंदर है उनको ही उसका फायदा होता है शिक्षा में और नौकरी में। उसी धरती पर मराठा समाज को आरक्षण देना चाहिए और मैंने महाराष्ट्र सरकार को तो सुझाव भी दे दिया है कि जिस तरह तमिलनाडु में वो 50% आरक्षण ओबीसी को है, उसमें दो कैटेगरी है, एक 30% की एक 20% की है, उसी तरह महाराष्ट्र में अभी मतलब मराठा समाज के लिए अलग कैटेगरी बनाकर ओबीसी की उनको आरक्षण देने का निर्णय तो महाराष्ट्र सरकार ने लिया है, लेकिन ओबीसी में उनका एक ओबीसी कैटेगरी बनाकर अगर वो ओबीसी में डालने के बारे में बोलते मराठा समाज को तो हमारा मंत्रालय जरूर उसका विचार करेगा क्या उसका एग्जामिन करके। लेकिन मराठा समाज के आरक्षण का मतलब है गरीब मराठों को आरक्षण देने की मांग है, सभी मराठों को देने की मांग नहीं है। ठीक है, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के संबंध में जो भी सुप्रीम कोर्ट में बोला है अभी उसका स्टडी करेंगे हम, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है लेकिन अभी उसका क्या करना है वो तो मतलब देखिए वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस पर जो भी है सभी पार्टियां उसका इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि क्या उनको जानकारी मिली है। नहीं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो मैंने पहले भी बोला कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये भारत तोड़ो यात्रा है। भारत तो बाबा साहब के संविधान ने जोड़ा ही है, अभी राहुल गांधी को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और जिस कांग्रेस पार्टी को 70 सालों में भारत जोड़ने का मौका था उनको भारत नहीं जोड़ा क्या, तो इसीलिए अभी भारत जोड़ो यात्रा एक प्रचार का माध्यम है, उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, राहुल गांधी को देखने के लोग आते अच्छी बात है, लेकिन उसका कोई होठों में कोई परिणाम होगा नहीं। राहुल गांधी के न्याय भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कांग्रेस बिल्कुल फायदा होगा नहीं, कांग्रेस 40 सीट भी पार नहीं कर पाएगी। लास्ट टाइम केरला में ज़्यादा सीटें मिली थी, इस वक्त केरला में भी इतनी सीट मिलेगी नहीं, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इधरों में रहेगी। अभी जो रायबरेली सीट है वो भी हारेंगे और अमेठी भी हारेंगे, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को भविष्य इतना नज़दीक नहीं नजर आता है, और राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना कभी ज़िंदगी में नामुमकिन है, और जब तक अभी एनडीए स्ट्रांग है तब तक कांग्रेस पार्टी को और एनडीए को इतना मौका नहीं है, और एनडीए में अभी कोई ताकत नहीं रही। नीतीश कुमार हमारे साथ आए हैं, जयंत चौधरी हमारे साथ आए हैं, ममता जी ने अपनी 42 सीट अनाउंस की है वहाँ की वेस्ट बंगाल की, तो अभी इंडिया आघाड़ी में कोई दम नहीं रहा है, तो इसीलिए और कर्नाटक में जरूर मतलब बीजेपी हार गई होगी अपनी विधानसभा में, लेकिन आने वाले लोकसभा के चुनाव में 26 सीटों में से कम 20-22 सीटें बीजेपी जीतेगी ऐसा अनुमान है। तमिलनाडु में भी बीजेपी कुछ सीटें आ सकती है, तेलंगाना आंध्रा में भी बीजेपी की कुछ सीटें आ सकती है, आंध्रा में चंद्राबाबू के साथ बीजेपी का अलायंस हुआ है और वहाँ हमारी एनडीए स्ट्रांग हो गई है, वहाँ भी बहुत अच्छी सीटें आंध्रा में भी मिलेगी। इसी तरह साउथ इंडिया में भी मतलब बीजेपी का जनाधार बढ़ गया, एनडीए का जनाधार बढ़ गया है, और पांडिचेरी में बीजेपी और रंगास्वामी कांग्रेस सरकार उधर है पांडिचेरी में, तो ऐसा तमिलनाडु में उधर ये है, और
कर्नाटक में बीजेपी का मुख्यमंत्री भी कई बार रहा है, तो इसी तरह वो है। एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट।